हर हर महादेव। हार्दिक अभिनंदन एट्रो मीडिया में आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं जाति प्रथा की। जाति प्रथा हमारे सनातन धर्म का अंग है। क्या हमारा सनातन धर्म जाति प्रथा को मानता है? क्या हमारा सनातन धर्म इस जाति व्यवस्था को मानता है? हमारा सनातन धर्म में अगर जाति प्रथा होती तो महर्षि वेदव्यास एक मछुआरे की संतान है, तो शूद्र हुए, और एक शूद्र व्यक्ति हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे सनातन धर्म का आधार वेद लिख सकता था। जैसा कि आज वर्णन करा जाता है कि जाति प्रथा में आदमी से मनुष्य से आदमी से आदमी का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत का भेदभाव, यह हमारे धर्म को सिर्फ और सिर्फ अपमानित करा जा रहा है। जाति प्रथा हमारे सनातन धर्म पर कलंक है। हमारे धर्म के अंदर जाति प्रथा नहीं है, यह कुरूति जो आई है, यह मुगलों के आने के समय आई है। हाँ, इस जाति प्रथा को जो आवरण पहनाया गया मुगलों के आने के बाद, वह आवरण था हमारी वर्ण व्यवस्था का। हमारी वर्ण व्यवस्था में चार वर्ण कहे गए हैं। चार वर्ण ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। यह चार वर्ण तो आज देखें कि भारत सरकार के भी चार वर्ग हैं। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, यानी कि वह फोर्थ क्लास के कर्मचारियों को चपरासी का कार्य देती है। ए क्लास के उसके रजिस्ट्रेड ऑफिसर होते हैं, तो उसी के मध्य में दो होते हैं। सी क्लास उसका कलर ग्रेड का ऑफिस। तो उसी प्रकार हमारा सनातन धर्म भी चार श्रेणियों में बटा है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए, इसमें कोई जाति नहीं है। ऐसा भी हमारे सनातन धर्म का कोई नियम नहीं था कि वह व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है उसके पिताजी वही करेंगे। ये ऐसे है कि एक व्यक्ति के चार पुत्र हैं, वह चारों में से एक शिक्षा को, समाज को ज्ञान देने का कार्य करने लगा तो वह आचार्य हो गया। आज भी हमारे स्कूलों में, उत्तर प्रदेश के स्कूल हैं, एमपी के स्कूल हैं, इनमें आज भी मास्टर को आचार्य जी भी कहा जाता है। तो वह ब्राह्मण कहने लगा। ब्राह्मण का अर्थ है कि ज्ञान देने वाला व्यक्ति, समाज के सुधार के लिए, समाज की व्यवस्था के सुधार के लिए समाज को ज्ञान देने का कार्य करे, वह व्यक्ति ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय, क्षत्रिय अर्थात दूसरा बेटा जो है वह सेना में भर्ती हो गया। आज हम सैनिक कहते हैं, उस समय सैनिक को क्षत्रिय कहा जाता था, तो वह क्षत्रिय हो गया। उसका कार्य है कि देश की और सरहद की रक्षा करना देश के लिए, और अन्याय जहाँ भी हो वहाँ पर वह अपने शस्त्रों से अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाए और धर्म की रक्षा करे, उसका नियम हो गया। तीसरा अपना वैश्य कहा जाता है। वैश्य कहा जाता है बनिए को। बनिए का अर्थ होता है व्यापारी। वैश्य का अर्थ भी व्यापारी ही होता है। व्यापारी कोई भी कर सकता है, जिसकी इच्छा हो वह व्यापार कर सकता है। आज भी यही व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में लागू है कि जिसकी जो इच्छा होती है, कोई व्यापार करना चाहता है, कोई सेना में भर्ती होकर इंटेलिजेंस में जाना चाहता है, कोई अध्यापक बनकर ज्ञान देना चाहता है, कोई नौकरी को, सर्विस को अपनाता है। अब चौथा वर्ग हो गया कि जो ना व्यापारी करना चाहता है, जाना नौकरी करना, जो ना तो सेना में ही भर्ती है, वह चाहता है कि मैं अपनी साधारण नौकरी करूं और अपने जीवन यापन करूं। तो वह चारों के चारों एक ही पिता की संतान है। वह अपनी इच्छा से उन्होंने कार्य को चुना, यह तो ठीक है, लेकिन उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा ही आप देख सकते हैं कि सभी जातियों के अंदर सभी गोत्र पाए जाते हैं, वो इसीलिए पाए जाते हैं। तो वर्ण व्यवस्था है, लेकिन इसमें छुआछूत, ऊंच नीच जैसे भेदभाव नहीं है। लेकिन मुगलों के आने के बाद इसी चार ये वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था के अंदर कर जो अत्याचार करे गए, जो भेदभाव किए गए, और उसका खामियाजा आज हमारे को बहुत तगड़ा भुगतना पड़ा। क्योंकि आज जब मुगलों के आक्रमण हो रहे थे तो वहाँ पर क्षत्रिय लड़ रहे थे, तो वहाँ भारत के अगर वह क्षत्रिय हार जाते थे तो वहाँ भारत की हार नहीं देखी जाती थी, वहाँ क्षत्रियों की हार देखी जा रही थी। इस कारण से भी हमारा देश लंबे समय तक गुलाम बना,
और अंग्रेजों का भी इस जाति व्यवस्था के कारण गुलाम बना। ऐसा नहीं है कि यह जाति व्यवस्था हमारे भारत के अंदर ही थी, जापान के अंदर भी हमारे भारत की तरह ही जाति व्यवस्था थी, लेकिन जापानियों ने देखा कि अगर हम इस जाति व्यवस्था को गले लगाकर चलते हैं तो हम जीवन में कभी विकास नहीं कर पाएंगे, हमारा जापान कभी विकास नहीं कर पाएगा और हम कभी भी विकसित जापानी नहीं बन सकते। तो उन्होंने जो समाज का उच्च वर्ग था, जिसे कि ऊंचा समझा जाता था, उसी ने स्वतः पहल की और वह जाति प्रथा को समाप्त करने में सफल हुए और उन्होंने जाति प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दिया। और आज देखिए आप संसार के दुनिया के पटल पर एक जापान कितना चमकता हुआ नाम है। लेकिन हम हिंदुस्तान के लोग इस जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए सोचने को भी तैयार नहीं थे। ये हमारे शरीरों के अंदर वायरस की तरीके से हमारे खून के अंदर इम्प्लांट हो गई कि हम किसी भी सूरत में इस जाति व्यवस्था को समाप्त ना होने देना चाहिए। और यही ऐसा नियम और ऐसा ही हमारी सोच जो है आज भारत को किस मुकाम पर लाके खड़े करे हुए है। आज भारत, आज सनातन धर्म के लोग किस मुकाम पर हैं, इसका मुख्य कारण मुगलों हम पर क्यों विजयी होते गए। आज हमारे पास से अफगानिस्तान चला गया, हमारे पास से पाकिस्तान चला गया, हमारे पास से बांग्लादेश चला गया, हमारे पास से बर्मा चला गया और कश्मीर भी जाने को है, तो इसका कौन सा कारण था। हम सारा का सारा दोष मुसलमानों को दे देते हैं, लेकिन अपने अंदर भी तो देखें हम कि हमारा इतना बड़ा भूभाग क्यों लूटता चला गया। उसका एक ही मुख्य कारण है कि हमारी जाति व्यवस्था, लेकिन हम इसे समाप्त नहीं करना चाहते, इस पर हम धर्म का आवरण पहनाना चाहते हैं। लेकिन सत्यता यह है कि हमारे धर्म में जाति प्रथा नहीं है। अगर जाति प्रथा है तो कृष्ण यादव क्यों होते, यादव भी तो शूद्र ही हैं। अब बहुत से लोग इस पर यहाँ पर अपने वंश का देंगे, उस वंश से जन्मे थे, अगर वंश में जन्मे थे ठीक है, क्षत्रिय वंश में जन्मे थे तो वह शूद्रों के यहाँ पर ही क्यों गए। तो अगर उनमें भेदभाव होता अगर हमारे सनातन धर्म के अंदर, तो कृष्ण को शूद्र के घर में नहीं पहुँचाया जाता। तो इस घटना से ये साफ इंगित करते हैं कि उस काल में भी जाति व्यवस्था जैसा कोई भी व्यवस्था नहीं थी। रामचंद्र जी सबरी के झूठे बेर खाते हैं, एक सबरी भी अगर वह भी शूद्र मानी जाती है, अगर शूद्र थी तो वह भी गुरु के आश्रम में ज्ञान ही प्राप्त कर रही थी। लेकिन प्रचार यह कहा जाता है कि शूद्रों को शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं थी, शूद्र शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, तो सबरी क्या शूद्र नहीं थी। तो हमारा जो सनातन धर्म की व्यवस्था है इसमें जाति प्रथा कहीं नहीं है, लेकिन हम इसको धर्म का झूठा आवरण पहना करके इस जाति प्रथा को हम जिंदा रखना चाहते हैं, चाहे उसके लिए हमारा सनातन धर्म समाप्त हो जाए, हमारा सनातन धर्म नष्ट हो जाए, हम नष्ट हो जाएं और हमारा राष्ट्र नष्ट हो जाए, लेकिन हमारी जाति प्रथा नष्ट ना हो। ऐसी मानसिकता कुछ धर्म की गद्दी पर बैठे हुए लोगों की है। तो उनसे मैं यह ही निवेदन करना चाहूँगा कि आज भारत का और सनातन धर्म की यही पुकार है कि हमें जो गलती हुई, जो पिछले 700-800 सालों से जो हम गलती इस जाति प्रथा के कारण करते आ रहे हैं, क्योंकि 800 साल पहले इस देश में जाति प्रथा नाम का ही सब कोई चीज़ नहीं थी, तो इसको हमें आज समाप्त कर दें। अगर हमने इसे समाप्त नहीं करी तो कभी भी सनातन धर्म के लोग इकट्ठे नहीं, एक नहीं हो सकेंगे और यह सदैव तंबुओं में, खेमे में बटे रहेंगे और बटे हुए लोग सदैव गुलाम होते हैं, कमज़ोर होते हैं और वह कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस जाति प्रथा ने भारत को सैकड़ों सालों की गुलामी दे दी, हमारे सनातन धर्म को, हमारा विशाल भारत आज सिकुड़ कर छोटा हो गया इस जाति प्रथा
का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। तो आज ही आप प्रण लें कि जाति तोड़ें भारत जोड़ें, यही हमारा आज का नारा होना चाहिए। और जाति प्रथा को आज हमें अपने बीच से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, इस जाति प्रथा को ख़त्म कर देना चाहिए। सनातन धर्म के लिए आज हमें यह अवश्य ही कदम उठाना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय, भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।